आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे दो अपने पास कथन है, अपने पढ़ते हैं। पहला कथन है, भारतीय थल सेना 5 क्षेत्रीय कमानों में संगठित है। दूसरा कथन है, उत्तरी कमान का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। देखिए जो अपनी भारतीय थल सेना है, भारतीय थल सेना, तो सबसे पहले अपने थल सेना दिवस की बात कर लेते हैं कि थल सेना दिवस कब आता है। थल सेना दिवस यह मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है। और अगर अपने इसके ध्येय वाक्य की बात करें कि ध्येय वाक्य क्या है थल सेना का, तो इसका ध्येय वाक्य है खुद से पहले सेवा, खुद से पहले सेवा, यह इसका ध्येय वाक्य है। अगर अपने इसकी कमानों की बात करें तो इसकी टोटल 7 कमान है, इसमें से 6 कमान तो क्रियाशील है, क्रियाशील वह जो एक कमान है यह प्रशिक्षण के लिए है, प्रशिक्षण हेतु, ठीक है। अब अपने पास एक यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है कि इसकी उत्तरी कमान का मुख्यालय लखनऊ में, नहीं यह गलत है कि इसकी उत्तरी कमान का जो मुख्यालय है वह उधमपुर में है, उधमपुर में इसकी उत्तरी कमान का मुख्यालय स्थित है। तो देखिए जो अपने यहाँ से पहला कथन क्या था कि थल सेना 5 क्षेत्रीय कमानों में संगठित है, नहीं तो इसके कमान कितने हैं, इसके 7 कमान है, तो यह भी यहाँ से गलत हो जाएगा। और जो दूसरा स्टेटमेंट था वो भी गलत हो गया। तो अपने पास यहाँ पे ना तो एक सही है ना ही दो, यही अपने प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।